में आपका स्वागत है। और आज मैं एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, परवल की मिठाई हलवाई स्टाइल में। तो ये परवल की मिठाई मैंने सोचा कि करवा चौथ है, तो चलिए इस परवल की मिठाई बना लेते हैं, सब लोग खा लेंगे इसको, घर की मिठाई है। तो मैंने क्या किया, इसमें मैंने कम ये एक पाव से कुछ ज़्यादा परवल था, ये देखिए 9 परवल लिया हुआ। अब मैंने क्या किया है कि इसके ऊपर का पहले इसको को धो लिया, पोछ लिया, उसके बाद इसको इस तरह से ये देखिए हटा दिया है, और फिर इसको हम छील देंगे। ये देखिए इसको हम पूरा ऐसे हमने सब छीला हुआ है, इस तरह छीलते जाएंगे इसको। इस तरह से आप इसको छील लीजिए, और इसको पानी में नहीं डालिएगा, बस ये हमारा छिल गया सारा छिलका देखिए ये। और इसके बाद इस चाकू से बीच में ऐसे हम चीरा लगाएंगे, और जैसे मैं आलू वगैरह छीला जाता है ना उससे ऐसे करके, और जैसे जैसे हम पूरे इसके अंदर के बीज जो है वो सब निकाल दूंगी, इसके कोई बीज नहीं रह जाना चाहिए इस मिठाई बनाने में। परवल के अंदर हम सारे ऐसे करके, और नीचे से जुड़ा रहना चाहिए, टूटना भी नहीं चाहिए। ये देखिए मैंने सारा इस तरह से ये देखिए सब निकाल दिया है, ये देखिए इसी तरह मैंने अपने सारे परवल कर लिए हैं। ये देखिए ये सब परवल मेरे से हो गए। इधर मैंने पानी रखा कम से कम 2 गिलास, और ये पानी खौल गया, इस खौल पानी में मैं इस परवल को डाल दूँगी, और तीन चार मिनट तक इसको पड़ा रहने दीजिए, और इसको ढक दीजिए, ज़्यादा नहीं गलाना है, हल्का गलाना है। और इधर मैंने क्या किया था कि ये मैंने फुल क्रीम दूध लिया था 1 लीटर, ये पैकेट फुल क्रीम, और इसको कढ़ाई में रख के इसका खोआ बना लिया है। देखिए ये खोआ बन गया है इसका, लगातार खोआ चलाते रहें दूध तो खोआ बन जाता है, और खोआ में कोई दिक्कत नहीं होती बनाने में, वो चलाते रहिए लगातार। और थोड़ा सा मैंने इलायची का पाउडर था जो इसमें डालूँगी, ये देखिए कप चीनी लिए, उसमें ये करीब 1.25 कप पानी डालूंगी, उसकी चाशनी बनाऊंगी इसको। तो जब तक मेरा ये परवल हो रहा है तो ये 3-4 मिनट बस खड़ी देख कर रखिए इसको, और जो ड्राई फ्रूट्स ऊपर डाल लें वो डाल दीजिए, और इस पर पानी के अंदर थोड़ा सा परवल का कलर अच्छा सा आ जाए, तो मैं थोड़ा सा इसमें ग्रीन कलर फूड कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप करना चाहें तो करिए, नहीं करना चाहें तो मत करिए। हाँ से छू के देखेंगे दब जाएगा, समझ लीजिए गल गया ये हो गया। देखिए मैं उसमें इलायची पाउडर डाला है, और इसमें मैं 2 चम्मच चीनी का पाउडर डालूंगी, पिसी हुई चीनी का 2 बड़ा वाला चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि अभी परवल को भी हम चाशनी में डालेंगे। तो ये इतना मैंने इसमें डाल दिया है, और अभी मैं इसको मिक्स कर दूँगी। इधर मैंने एक भगोना रखा हुआ है, और इसके अंदर मैं ये देखिए 1 कप जो है ये चीनी डाली है, और इसमें मैं 1.25 कप करीब पानी डालूंगी। और इसको इसकी चाशनी नहीं बनानी एक्चुअली, केवल चीनी घुलने तक इसका चलाते रहना, फिर इसमें इसको परवल को डाल देंगे 2-3 मिनट तक। तो पहले मैं इसको ऐसे चलाती रहूँगी, चीनी इसमें घुल जाए। और इधर परवल मैंने पानी से निकाल लिए देखिए, और हल्के हाथ से पानी निचोड़िएगा वरना ये परवल टूट जाते हैं, और 70% ही इसको कुक करना होता, बाकी चाशनी में कुक होंगे। तो देखिए पानी से निकाल के और रख दीजिए, और हवा में सूख जाए ठंडा हो जाए तब हम इसमें डालेंगे इसको। और मेरी चीनी घूल रहे हैं, जब मेरी चीनी घुल जाएगी तब मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी इसमें। पूरी तरह से घुल चुकी है ये देखिए, और अब ये घुल गई, तब मैं इसमें एक एक करके ऐसे परवल डाल दूँगी। तो टूट जाएंगे परवल, तो इसमें ये डाल दूंगी, और इसको मैं ढक देती हूँ 2-3 मिनट तक। ढकने के बाद फिर मैं इसको निकालूंगी। इसको परवल को चाशनी में डाला था, और इसको चेक करने के लिए देखिए ये ऐसे हम चाशनी उठाएंगे, उसको ऐसे आप करेंगे देखिए चिपक रही है ये, इसके मतलब ये हो चुके हैं। अब मैं इसको 5 मिनट ऐसे रख दूंगी जो बिल्कुल ठंडे ही हो जाएंगे, तब मैं इसमें से परवल निकाल के फिर इसमें जो मावा मैंने बनाया वो इसके अंदर फिल करूँगी, ड्राई फ्रूट और मावा तब फिल करेंगे, उसको पहले ठंडा हो जाने देते हैं। ये सेंस है हमारे पास ये देखिए, तो मैं इसमें देखिए 5-6 बूंद इसके अंदर
डाल दे रही हूँ। प्लेट में निकाल के इसका खोआ अपना मावा जो मैंने रख रखा है उसको मैं फिल करूँगी। देखिए बना कर रखा है, ये फिल करूँगी तो मैं थोड़ा 5 मिनट इसमें हो जाए, ठंडा हो जाएगा, मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने मावा बनाया था वो मैं इसके अंदर देखिए इस तरह से सावधानी से आराम से इसके अंदर फिल करिए अच्छे से खूब भर के। ये देखिए और इसके ऊपर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट भी लगा देंगे इसे करके। बादाम है मेरे पास, काजू है, और जो भी आप स्किप करना स्किप कर दीजिए और जो लगाना वो लगा दीजिए। और ये किशमिश है, ये पिस्ता है, परवल की मिठाई ये देखिए, और इसको हम रखते हैं किसी तरह। हम सारे परवल में अपना फिल करेंगे, परवल और दिखा देते हैं। ये देखिए वो अच्छे से इसको फिल करिए अंदर, इसको अंदर दीजिए। फाइव स्टाइल हमारी मिठाई तैयार हो गई है और इसके अंदर मैंने फिल कर दिया बताया था। ये देखिए कितनी टेस्टी और बढ़िया बनी है। ये देखिए और ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं, और आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं डालने तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। अभी इसमें तो मैंने ऐसे लगा दिया है, मेरे पास मावा बच गया था तो मैंने रख दिया। और बहुत ही टेस्टी और अच्छी बनी हुई है ये मिठाई। तो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो आप तक शीघ्र ही पहुँच जाए। और इसको जो है बना के कमेंट में ज़रूर डालिएगा कि आपको ये मिठाई कैसी लगी। के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।